नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल टाइम यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन का मॉडल सेट करेंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे? 6 रहेंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 रहेंगे। भाई, आपके एग्जाम में टोटल पेपर वन में कितने क्वेश्चन रहते हैं? पेपर वन में टोटल क्वेश्चन की संख्या रहती है आपकी 50, है ना। 50 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें 38 क्वेश्चन आपके तो हो जाते हैं थ्योरी के, और 6 क्वेश्चन आपके रहते हैं ड्राइंग के। 6 क्वेश्चन ड्राइंग के रहते हैं, 6 क्वेश्चन रहते हैं आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से, है ना। WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से 6 क्वेश्चन रहते हैं। तो 250 क्वेश्चन का पूरा एक PDF है, जिसमें से हमने 5 मॉडल सेट बनाया है, और 5 मॉडल सेट की पूरी सीरीज आपको कराई जाएगी। इससे पहले थ्योरी वाला पूरा पार्ट करा दिया गया है, अब हम लोग करेंगे केवल और केवल वर्कशॉप कैलकुलेशन का मॉडल पेपर, ठीक है। यह आपको देख भी रहा है कि यह क्लास किसके लिए है, ITI सेकेंड ईयर के सभी बच्चों के लिए, ITI के सेकेंड ईयर के सभी बच्चों के लिए, वो चाहे किसी भी ट्रेड के हो, सभी ट्रेड के बच्चों के लिए होने वाली है, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हम लोग पहला क्वेश्चन है कि घर्षण गुणांक को दर्शाने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। घर्षण गुणांक को दर्शाने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है? तो सबसे पहले तो थोड़ा सा हमें ये बता दीजिए यहाँ पे कि घर्षण गुणांक किसे कहते हैं, घर्षण गुणांक क्या होता है, और घर्षण गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमें थोड़ा सा यहाँ पे बता दीजिए आप पहले। तो घर्षण गुणांक क्या है भाई? घर्षण गुणांक कुल मिला के आपके किसी भी दो सतह के बीच घर्षण की मात्रा का माप है। क्या है भाई? किसी भी दो सतह के बीच घर्षण की मात्रा का माप है। जैसे मान लो कि ये आपका एक मेटल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे एक आपका सरफेस हो गया, यहाँ पे एक आपका सरफेस हो गया, और इस ये जो मेटल है इसका सरफेस ये हो गया, ठीक है। तो ये दो सरफेस हो गए, इन दोनों सरफेस के बीच जो घर्षण की मात्रा होगी उससे ही हम लोग कहते हैं घर्षण गुणांक। इन दोनों के बीच जो घर्षण की मात्रा लग रही होगी उसे हम लोग कहते हैं घर्षण गुणांक, है ना। अब यह जो घर्षण गुणांक है, यह घर्षण गुणांक की वैल्यू कितने से कितने के बीच में वेरी करती है? तो म्यू की वैल्यू जो है 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है, और 1 से छोटी होती है, ठीक है। सॉरी, ये वाला थोड़ा सा ये लिमिट गड़बड़ हो गया, हाँ, 1 से छोटी होती है, 0 से लेके 1 के बीच में वेरी करती है। म्यू की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में वेरी करती है। और ये घर्षण गुणांक आपके दो तरह का होता है, एक होता है आपका स्थैतिक घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक यहाँ पे लिख लीजिए कि घर्षण गुणांक दो तरह का होता है, घर्षण गुणांक दो तरह का होता है, कौन कौन सा भाई? एक होता है आपका स्थैतिक घर्षण गुणांक, एक होता है आपका स्थैतिक घर्षण गुणांक जिसे हम लोग म्यू एस से प्रदर्शित करते हैं, और एक होता है आपका गतिक घर्षण गुणांक, एक होता है आपका गतिक घर्षण गुणांक जिसे हम लोग म्यू के से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम लोग म्यू के से प्रदर्शित करते हैं। और हमेशा म्यू एस की वैल्यू म्यू के से बड़ी होती है, हमेशा म्यू एस की वैल्यू म्यू के से बड़ी होती है, ठीक है भाई। देखिए, जो भी हम क्वेश्चन कराएंगे आपको 6 ही क्वेश्चन तो कराएंगे, लेकिन इन 6 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से देख लेंगे तो आपका इस 6 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन एकदम हमारा गारंटी है कि इसी 6 क्वेश्चन से आप 12 क्वेश्चन आसानी से करके दिखा देंगे, ठीक है भाई। तो एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा ध्यान से जरूर देखते जाइएगा आप लोग। यहाँ पे मैं तुरंत इसको बता सकता था कि हाँ भाई, घर्षण गुणांक को म्यू से प्रदर्शित करते हैं, बहुत तुरंत आगे भी मैं बढ़ सकता था, लेकिन एक्सप्लेनेशन इसके पीछे का मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई मैं केवल 6-6 क्वेश्चन ही ले रहा हूँ, ठीक है। 6-6 क्वेश्चन ले रहा हूँ तो इसमें एक्सप्लेनेशन बढ़िया से नहीं करूंगा तो आपको ये नहीं क्लियर हो पाएगा कि सर क्वेश्चन तो 250 है, 250 क्वेश्चन में आप केवल इतना 6-6 क्वेश्चन करा रहे हैं तो कैसे क्लियर होगा, है ना। आपको गारंटी दी जा रही है कि हाँ भाई, आप इतना क्वेश्चन करिए और अच्छे से एक्सप्लेनेशन जो है वो ध्यान से देखिए। बस आपके इतने ही क्वेश्चन से, जो मैं जितना सेट लिया हूँ, सेट में जितने क्वेश्चन लिया हूँ उतने ही क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए अल्फा बीटा गामा क्या है भाई? ये तो आपके टेम्परेचर कोफिशियंट है ना, ये टेम्परेचर कोफिशियंट है। अल्फा को कौन सा टेम्परेचर कोफिशियंट कहते हैं? ये होता है आपका कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन,
लीनियर एक्सपेंस है, ठीक है, मतलब कि रेखीय प्रसार गुणांक होता है अल्फा, अल्फा क्या होता है रेखीय प्रसार गुणांक होता है, बीटा होता है आपका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कोफिशियंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, और गामा क्या होता है, गामा होता है आपका आयतन प्रसार गुणांक, मतलब कि यदि इंग्लिश में लिखना चाहे तो कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है, और अल्फा बीटा गामा तीनों में संबंध क्या होता है, ये संबंध भी लिख लीजिए, यदि इन तीनों का संबंध लिखना चाहे तो अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, 1:2:3, ठीक है, इन तीनों में ये संबंध होता है। अल्फा को क्या कहते हैं, लिनियर लिनियर प्रसार गुणांक, और आपका जो बीटा है बीटा को क्या कहते हैं, बीटा को कहते हैं हम लोग क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, और गामा को कहते हैं आयतन प्रसार गुणांक, ठीक है, तापमान का, तापमान की वजह से आयतन प्रसार गुणांक, क्षेत्र में कितना हो रहा है उसको बीटा, और लिनियरली कितना बढ़ रहा है मतलब लंबाई कितनी बढ़ी है वो होता है आपका एरिया अल्फा, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, हम लोग अगला क्वेश्चन है कि उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर शरीर का सारा भार केंद्रित होता है, जिस पर शरीर का सारा भार केंद्रित होता है, जिस पर शरीर का सारा भार केंद्रित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इनिशियल पॉइंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट क्या होता है, तो जैसे मान लिया जाए कि ये है दो पॉइंट, ये है दो पॉइंट, ये है आपका घर, ठीक है, और ये है आपका आईटीआई कॉलेज, आईटीआई कॉलेज, ठीक है, रोज आप अपने घर से निकलते हो किसके लिए, कॉलेज के लिए, आप कहाँ से निकलते हो, अपने घर से निकलते हो कॉलेज के लिए जाते हो, तो आपका घर क्या हो गया, आप अपने घर से निकले और गए कॉलेज पे, गए अपने कॉलेज पे, तो ये जो घर है ये घर बन जाएगा आपका प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, ये या तो बन जाएगा अंतिम बिंदु या फिर गंतव्य बिंदु, ये बन जाएगा आपका एंड पॉइंट या फिर आपका रिस्ट पॉइंट मतलब गंतव्य बिंदु, आपको लास्ट वहीं तक जाना ही था तो वो हो गया आपका गंतव्य बिंदु, ठीक है, फिर जब उधर से आपको इधर आना होगा, जब उधर से इधर आना होगा कॉलेज से अपने घर आना होगा, तो आपका जो कॉलेज होगा वो बन जाएगा प्रारंभिक बिंदु और आपका घर बन जाएगा अंतिम बिंदु, है ना, तो ये प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु हो गया। फिर सेंट्रोइड क्या होता है, यार सेंट्रोइड तो सबको पता है कि सेंट्रोइड क्या होता है, माध्यिका, जैसे एक त्रिभुज की मैं बात करूं, एक मैं त्रिभुज की बात करूं, त्रिभुज की बात करूं यहाँ पे, तो त्रिभुज की यदि तीनों त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं यदि खींची जाए, ऐसे तीनों माध्यिकाएं खींची जाए, तो तीनों माध्यिकाएं खींचने से, तीनों माध्यिकाएं खींचने से एक, तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर कट करती है, तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर कट करती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग केंद्रक कहते हैं, उसे ही हम लोग सेंट्रोइड या फिर केंद्रक कहते हैं, ठीक है, तो केंद्रक तो सबको पता चल गया। फिर सेंट्रल बिंदु, केंद्रीय बिंदु क्या होती है, यही आपका बन जाता है सेंट्रल बिंदु, जैसे ये मान लीजिए कि कोई एक वृत्त है, तो इस वृत्त का वह पॉइंट जहां से इस वृत्त की परिधि की सभी लेंथ, इस वृत्त की परिधि की सभी लेंथ क्या हो जाए, उस पॉइंट से वृत्त की परिधि की दूरी हर जगह समान हो जाए, तो ये हो जाता है हमारा केंद्रीय बिंदु, ठीक है, केंद्रीय बिंदु पता चल गया, प्रारंभिक बिंदु, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता चल गया, आपको पूरे ऑप्शन के बारे में पता चल गया कि सभी ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस रेखा को जीवा कहते हैं, किस रेखा को हम लोग कॉर्ड कहते हैं, यहाँ पे जो रेखा दी हुई है इस रेखा के बारे में बताना है कि इसमें से कौन सी जीवा है। देखिए हो सकता है आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, तो मैं इस पे थोड़ा सा पेन चला दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली ये देखे, ताकि ये आपको क्लियरली दिखे, ठीक है, एक लाइन ऐसे खींची हुई है और फिर एक लाइन कुछ इस तरीके से बनी हुई है, इसमें ये बताना है कि जीवा कौन सी है, ये आपका ए है, ये है आपका बी, ये है सी और ये है डी, ये है ई और ये है आपका पॉइंट ओ, ये है पॉइंट ओ, ठीक है भाई। अब बताना है आपको किसमें से जीवा कौन, इसमें से जीवा कौन है, तो देखिए वृत्त की परिधि पे, वृत्त की परिधि पे किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा, वृत्त की परिधि
पर किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। तो ये क्या है भाई? ये है आपके वृत्त की परिधि। इसी को तो परिधि कहते हैं हम लोग, सर्कमटेंस किसी को तो कहते हैं भाई। ये हो गया आपका परिधि। तो इस परिधि को, इस परिधि के दो बिंदु को, दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? जीवा। तो भाई एक बिंदु तो ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया, तो ये वाली जो लाइन होगी, जो लाइन एबी होगी, एबी को हम लोग क्या कहेंगे? इसी को तो जीवा कहेंगे या फिर इसी को तो कॉर्ड कहेंगे ना, ठीक है, इसी को कॉर्ड कहेंगे। अब एक बात और समझिए यहीं पे, सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा को हम लोग क्या कहते हैं? एक पॉइंट यहां पे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि सबसे बड़ी जीवा को हम लोग क्या कहते हैं भाई? सबसे बड़ी जीवा, जीवा को वृत्त का व्यास कहा जाता है, वृत्त का व्यास कहा जाता है, ठीक है, वृत्त का व्यास कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक वृत्त है आपका, ये एक आपका वृत्त है और इसके एकदम बीचों बीच से हमने एक रेखा खींच दिया, एक लाइन खींच दिया, तो ये लाइन भी क्या है यार? ये भी लाइन तो एक जीवा है ना, ये भी वृत्त के परिधि पे दो बिंदु को मिला रही है, दो बिंदु को मिला रही है, तो ये भी एक आपका जीवा ही है, ये भी आपका एक कॉर्ड ही है। लेकिन यहीं पे इसका नाम चेंज हो जाता है, इसको हम लोग व्यास कह देते हैं। क्या कह देते हैं? व्यास कह देते हैं, ठीक है। अब ये जो पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा ओ से डी तक, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं त्रिज्या, इसको कहते हैं त्रिज्या, ठीक है। और ये जो आपको ए और बी दे रखा है, यही ए बी क्या हो जाएगा आपका? यही ए बी हो जाएगा जीवा, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। और इतने पार्ट को, ये जो इतना पार्ट कटा हुआ है ऊपर ऊपर, ये जो इतना पार्ट कटा हुआ है, इसको हम लोग क्या कह देंगे? इसको हम लोग कह देंगे सेक्टर, इसको हम लोग कह देंगे सेक्टर या फिर त्रिज्यखंड इसको कह देंगे, ठीक है ना। ये जो इतना पार्ट निकल गया है, चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यास्थ पदार्थ के लिए इसके मूल लंबाई के खिंचाव का अधिकतम प्रतिशत कितना स्वीकार्य है? अधिकतम प्रतिशत कितना स्वीकार्य है ये आपको बताना है। तो भाई किसी भी चीज का अधिकतम प्रतिशत कितना हो सकता है? किसी भी चीज का अधिकतम प्रतिशत कितना हो सकता है ये कोई बताएगा भाई? कोई भी चीज 100% से अधिक हो सकती है क्या? कोई भी परसेंट, कोई भी चीज 100% से अधिक भी हो सकती है? हो सकती है कि नहीं हो सकती है, इतना बताइए हमें। आपको इस क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्ट्रेच ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ इज अलाउएबल फॉर इलास्टिक मटेरियल्स। यदि कोई इलास्टिक मटेरियल्स है, यदि कोई इलास्टिक मटेरियल है, इलास्टिक बोले तो भाई उसमें खींचने पे वो जल्दी टूटे ना, खींचा जाए तो वो फैल जाएगा और फिर छोड़ा जाएगा तो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, प्रारंभिक पोजीशन में आ जाएगा। तो कोई भी यदि एक इलास्टिक मटेरियल है, उस इलास्टिक मटेरियल को कितना तक खींचा जा सकता है, कितना तक खींचने पे उसमें कोई नुकसान नहीं होगा या कितना तक परमिट है आपको खींचने का, तो ये होता है उसके तीन गुना का, उसके ओरिजिनल वैल्यू का तीन गुना तक आप खींच सकते हैं, ठीक है, उसके ओरिजिनल वैल्यू का तीन गुना तक आप खींच सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। कितना? 300%। कितना भाई? 300%। ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन कि हानि प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र क्या है? हानि प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र क्या है भाई? तो हानि प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र है आपका कि हानि, हानि गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य, हानि गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कोई मैच कर रहा है क्या? यस, ऑप्शन मैच कर रहा है। लॉस इंटू 100 डिवाइड बाई सीपी, लॉस इंटू 100 डिवाइड बाई सीपी, सीपी को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे लिख लीजिए सीपी का फुल फॉर्म, सीपी का फुल फॉर्म है आपका कॉस्ट प्राइस, सीपी का फुल फॉर्म है आपका कॉस्ट प्राइस, एसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एसपी का फुल फॉर्म होता है आपका सेल प्राइस, ठीक है, एसपी का फुल फॉर्म होता है आपका सेल प्राइस, जो भी लिखना है लिख लीजिए।
और यहाँ पे आपसे हानि प्रतिशत पूछा है ना, और यदि यहीं पे लाभ प्रतिशत पूछ देता तो क्या होता, लाभ प्रतिशत पूछ देता तो क्या होता, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला बन जाता आपका लाभ मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई क्रय मूल्य डिवाइड बाई क्रय मूल्य, ठीक है, लाभ प्रतिशत बराबर। अच्छा, और केवल लाभ पूछ देता तब क्या होता, केवल लाभ पूछता तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य या एसपी माइनस सीपी, ये हो जाता है आपका लाभ का फॉर्मूला। ये तो हो गया हानि परसेंटेज के लिए, हानि परसेंटेज के लिए, और हानि का फॉर्मूला क्या हो जाता है, हानि का फॉर्मूला यहाँ से हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है, या फिर यहाँ से आप लिख सकते हैं सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी लॉस इज इक्वल टू, ठीक है। तो जो जो फॉर्मूला बन सकता है हमने सारे फॉर्मूले आपको बना के दिखा दिए हैं, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इतने छोटे छोटे फॉर्मूले जो हैं भाई, फॉर्मूले आप लोग याद रखेंगे तो देखिए यहाँ एस पी सी पी या फिर जो भी आपका लाभ हानि है, लाभ हानि से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेंगे, इतने फॉर्मूले से मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएंगी आपके। आपके जो पीडीएफ है, पीडीएफ में ये भी पूछा है कि सीपी का फुल फॉर्म क्या है, एस पी का फुल फॉर्म क्या है, फिर लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ का फॉर्मूला क्या है, फिर विक्रय मूल्य को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, क्रय मूल्य को शॉर्ट फॉर्म में क्या करते हैं। तो भाई ये आपको दिख रहा है कि इसके एक एक्सप्लेनेशन से कई सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एक्सप्लेनेशन हर एक क्वेश्चन का अच्छे से जरूर कवर करिए आप लोग। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन कि हैंडबुक क्या है, हैंडबुक क्या होती है। ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, विभिन्न कार्यों की मॉडल बुक, क्या विभिन्न कार्यों की मॉडल बुक होती है हैंडबुक, नहीं। टाइप्स ऑफ रेफरेंस वर्क और अदर कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, हाँ हैंडबुक जो है, हैंडबुक आपका कलेक्स मतलब एक तरह से क्या है, इंस्ट्रक्शन के लिए हैंडबुक यूज की जाती है। हैंडबुक एक तरह से ये कहिए कि ऐसी बुक होती है जिसको आसानी से कहीं भी कैरी भी किया जा सकता है, आसानी से कहीं भी कैरी भी किया जा सकता है, और उसमें इंफॉर्मेशन सॉरी उसमें इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं मशीन के बारे में, और क्या दिए रहते हैं, कुल मिलाकर वो एक रेफरेंस बुक होती है, रेफरेंस वर्क बुक होती है, तो वर्क करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, ये रेफरेंस उसमें दिए रहते हैं आपके हैंडबुक में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि मशीन इंजीनियरिंग के लिए हैंडबुक का एक हैंडबुक का नाम बताइए, मशीन इंजीनियरिंग के लिए एक हैंडबुक का नाम बताइए, तो आप यहाँ पे क्या नाम बताएंगे। ऑप्शन मैं आपसे कैसे एक क्वेश्चन यहीं पे पूछ ले रहा हूँ, क्वेश्चन है आपके सामने कि मशीन इंजीनियरिंग रिंग के लिए एक हैंडबुक, एक हैंडबुक का नाम बताइए, ठीक है। हैंडबुक कुल मिलाकर हैंडबुक बनी कब थी, हैंडबुक मशीन इंजीनियरिंग के लिए ही बनी थी, किस लिए, मशीन इंजीनियरिंग के लिए ही बनी थी, और आपको बताना है यहाँ पे कि मशीन इंजीनियरिंग के लिए एक हैंडबुक कौन सी होती है, वो हो जाएगा आपका, लिख लीजिए यहाँ पे आंसर, इसके लिए आंसर लिख लीजिए कि मार्क स्टैंडर्ड, ठीक है। मशीन इंजीनियरिंग के लिए कौन सी बुक हैंडबुक उल्लेख की गई है, मार्क स्टैंडर्ड, ठीक है। ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ये मैं आपसे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है भाई। अब चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।